वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, अब से शुरू होगी हमारी क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम की फुल प्रिपरेशन। तो ये चार दिन का प्लान गाइस मैंने यहाँ लिख दिया है। इस स्ट्रैटेजी को जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस हिसाब से ये चार दिन चैप्टर्स, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन फुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट फॉलो दिस प्लान, ओके। तो इस तरीके से आपको पढ़ना आज से ही शुरू कर देना है। ये चार दिन सारे के सारे चैप्टर हो जाएंगे, सारे का सारा राइटिंग सेक्शन हो जाएगा और तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम में फुल मार्क्स पक्के हो जाएंगे, डन। और मैं सिर्फ रिविजन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो भी जस्ट गाइज फॉलो दिस प्लान, मार्क माई वर्ड, आपके सारे चैप्टर आपके दिमाग में ऐसे याद हो जाएंगे आपको। प्लस आप एक एक क्वेश्चन का आंसर खुद से बना के लिख पाओगे विदाउट एनी डिफिकल्टी। क्या करना है, कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू। तो सारे के सारे बच्चे आज से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना शुरू कर देंगे अभी से। कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दो दीदी आज से ही हम इसे फॉलो कर रहे हैं। शुरू करते हैं हम। क्या करना है आपको गाइज, चैप्टर का मिक्सचर मैंने ऐसा रखा, ये जो भारी वाले चैप्टर है जिनकी थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें एंड डे तक आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आने के बहुत चांसेस है, मैं तुम्हें वो बताऊंगी भी, उन्हें और भी ज्यादा अच्छे से करना है, डन। आज क्या है, आज से आपको शुरू करना है ये डे वन। कभी भी कराए हो, चार दिन है ये आपके, ठीक है। और मैंने एक दिन पे दो ही चैप्टर इसलिए रखे बिकॉज आई वॉन्ट कि जब आपने चैप्टर पढ़ा तो वो चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो जाए, आपको रट्टे नहीं मारने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से बना के लिखने की भी टेक्निक आपको आ जाएगी, समझ गए, क्योंकि जब आपने चैप्टर समझा होगा, ओके। तो एक एक बात मैं आपको बताऊंगी। दो ही चैप्टर एक दिन पे इसलिए डाले, मैं चार भी डाल दी थी एक दिन के अंदर, वो हो भी जाएगा चार, नो प्रॉब्लम, चार भी कर लोगे आप एक दिन में, बट नहीं, हमने दो ऐसे डाले हैं जिससे कि आपको ना क्वेश्चन बना पाओ एग्जाम में। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरे भाई बहन सारे आंसर लिख के आएंगे, फुल मार्क्स लेकर आएंगे टर्म टू में, डन। क्या करना है आज शुरू कर दो भैया रैट ट्रैप से। 20 मिनट में मैंने रैट ट्रैप गाइस एक एक लाइन पढ़ाई है, मार्क माय वर्ड्स, वीडियो अगर देख ली तो चैप्टर यहां पूरा होगा तुम्हारे दिमाग में। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो खोलनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दो प्लेलिस्ट देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रैट ट्रैप के, ना मैंने करा दिए थे एक दो महीने पहले, वीडियो डाल दी थी क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट डे पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें सारे सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक के, सीबीएसई के हाई लेवल क्वेश्चन जो है ना वो बताए भी हैं और उन्हें कैसे अपने आप लिखना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, सारा तरीका वो वीडियो देखना। प्लस आई कम लाइव और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कराने वाली हूँ, वो कर लिए, मैं लाइव होंगे आके सेशन को अटेंड करना, साथ में डाउट्स क्लियर करते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहेंगे, समझ गए ना आप। चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन आंसर वो तो देख ही लेने हैं, उसके बाद मैं लाइव होंगी, कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन पूछना होगा, सब पूछते रहना, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। शुरू कर दो रैट ट्रैप से, यही प्लान फॉलो करना है और आखिरी दिन पे बहुत ज्यादा भारी चैप्टर हमने नहीं छोड़ने जिनकी थीम इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो शुरू करोगे अभी रैट ट्रैप से, 20 मिनट की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, 20 से 25 मिनट की पूरी वीडियो देख लो, सारा आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, प्लस इनकी समरीज भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रैट ट्रैप देखा, रैट ट्रैप के क्वेश्चन आंसर्स देखे, दोनों प्लेलिस्ट अभी चेक कर लो जिससे एट द एंड ऑफ द वीडियो तक आपको समझ में आता रहे चैप्टर कैसे पढ़ने और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर की वीडियो आपने सुन ली, पूरे दिमाग में आपको चैप्टर फिट हो जाएगा। उसके बाद शुरू करना अपना चैप्टर शुड विजर्ड हिट मॉमी, ठीक है। ये हमारी दूसरी वाली बुक का चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 15 मिनट में मैंने एक्सप्लेन करा है और एक एक लाइन पढ़ाई है चैप्टर की, पूरा चैप्टर यहां दिमाग में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि बच्चे का पर्सपेक्टिव क्या होता है और पेरेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव होता है, पता है ना, शुड विजर्ड हिट मॉमी पूरा चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे जॉब एप्लीकेशन पे, जॉब एप्लीकेशन की वीडियो सर्च करना, पूरी वीडियो में अगर तुमने वो एक जॉब एप्लीकेशन की वीडियो देख ली ना, तुम्हें दोबारा जॉब एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने उसमें तुम्हें पूरा एक ऐसा फॉर्मेट बता दिया है जिसे अगर तुमने लर्न कर लिया तो बेकर का आ जाए या फिर टीचर बनने का आ जाए या अकाउंटेंट बनने का आ जाए या इंजीनियर के लिए आपको जॉब एप्लीकेशन देनी हो, हर एक को आप सॉल्व करो, भाई बस फिल इन द ब्लैंक करना है आपको एग्जाम में। देखी है कुछ बच्चों ने जॉब एप्लीकेशन की वीडियो, काफी बच्चों ने देखी भी होगी, तो सब बच्चे वो फॉर्मेट देख लो जाके, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जॉब एप्लीकेशन आज पहले दिन ही आपका कंप्लीट, पता है ना कितने मार्क्स का आ रहा है जॉब एप्लीकेशन, तो पहले दिन का तुम्हारे ये तीन टास्क रहने वाले हैं। एंड सैंपल पेपर गाइस पहले करें, बाद में करेंगे जब काफी सारे चैप्टर कर लिए होंगे, वरना अभी सैंपल पेपर खोलोगे और बाय चांस तुम्हें नहीं आता है वो सारा कॉन्फिडेंस डाउन चला जाएगा, अरे मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, अरे तुम्हें सब आता है, पहले थोड़े से चैप्टर रिवाइज कर लो फिर पढ़ेंगे सारे के सारे सैंपल पेपर भी। प्लस जो आप मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखोगे वहां मैंने सैंपल पेपर के ही क्वेश्चन डाले हैं, तुम्हें अलग से सैंपल पेपर भी उठाने की जरूरत एंड में पड़ेगी, वो सारे वहां से प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर तुम ऐसे सॉल्व करोगे सैंपल पेपर और जब कॉन्फिडेंस से सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया तो इंग्लिश में 40/40 पक्के हैं मेरे सारे भाई बहनों के, डन। दूसरा दिन आ गया आपका, शुरू करना इंडिगो से, लेंथी चैप्टर है पर मैंने से 25-30 मिनट में पढ़ाया होगा आई थिंक सो, ऐसे ही है, पूरी वीडियो देखना, पीछे में बोर्ड पे मैंने लिख भी रखा है
इसकी समरी वीडियो में मैं क्रिएट कर दूंगी, तुमने पूरी वीडियो देख लेनी है, वो गांधी जी का सारा जो रोल था आपके दिमाग में पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देखना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराऊंगी सारे अच्छे से जो है पढ़ लेना, अच्छे से उनको आ जाएंगे आपको। रट्टे मत मारना, रट्टे मारने पर बैठोगे एनसीईआरटी का तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, एग्जाम के दिन पर भूल जाओगे। समझने की कॉन्सेप्ट को कोशिश करना, मेरे बिना कोई ज़्यादा बातों को एग्जैजरेट करे, टू द पॉइंट एक एक बात बहुत फ्रेंडली मैनर में आपको समझाई है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। अगर आपने वीडियो देख ली आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। इसके बाद आपने करना ये चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, डे टू पे ही ऑन द फेस ऑफ इट कर लेना, आखिरी के दिन के लिए ने मत छोड़ना। ये चैप्टर लेंदी भी है और साथ ही के साथ में इनकी थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द फेस ऑफ इस चैप्टर की थीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो बच्चा डेली फेस कर रहा था, लोनलीनेस हो गई, डिसेबल पीपल के साथ जैसा व्यवहार करा जाता है, बहुत भारी थीम है इस चैप्टर की, इस पे से लॉन्ग आंसर आ सकता है, तो इसे कल कर लेना। आज ये दोनों कर लेना, कल ऑन द फेस ऑफ इट और इंडिक हो गया, और साथ में करोगे इन्विटेशन राइटिंग। इन्विटेशन राइटिंग की दो वीडियो है, दोनों में मैंने आपको विद फॉर्मेट ये भी बता दिया, शादी का आएगा, बर्थडे पार्टी का आएगा, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, एक्सेप्ट करना है रिप्लाई दोस्त का, उसे मना करना, सॉरी पार्टी में नहीं आ सकता, सब पढ़ा दिए हैं, दो वीडियो है, सब आ जाएगा। फिर मैं लाइव आके आपको एग्जांपल करा दूंगी, और उसमें वो जो तुम्हें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है ना, अरे इनविटेशन में बक्सा कहाँ बनाना है और फिर सेंटर एड्रेस और उसमें क्या लाइन छोड़नी है, वो सारी जो तुम्हारी कंफ्यूजन है पहले तो वीडियो देख के क्लियर हो जाएगी, तब भी कुछ बची होगी आई कम लाइव, वो सब सॉल्व करवा दूंगी, डन, ठीक है। थर्ड डे पे आते हैं अपने, फिर शुरू करना ये चैप्टर इवान ट्राइजन ओ लेवल, ठीक है। ये चैप्टर जो है आधे घंटे की वीडियो है, पूरा चैप्टर समझ लेना, ठीक है, हाफ एन आवर की वीडियो, इसको थोड़ा सा बाद में एनसीईआरटी से रीड करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। इवान प्राइस के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और इसका डाउट सेशन होगा, तो आपको कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लेना, वैसे जब वीडियो देखोगे उसके बाद कोई तुम्हें डाउट नहीं बचेगा, आधे घंटे में इवान की पूरी कहानी ना वो, और ये तो चैप्टर पढ़ने में आपको इतना इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो तीसरे दिन तक, टेंथ तक ही अगर आप अभी से आज से ही शुरू कर दोगे तो 10 तारीख तक आपका जो है पूरा लिटरेचर सेक्शन की प्रोस कंप्लीट हो जाएंगे। गाइस 11-12 तारीख तक चैप्टर मत छोड़ो अपने कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। वो पैनिक हो जाएगा अगर आपको लगेगा अरे 12 तारीख आ गई, 11 तारीख आ गई, मेरे तो चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो भैया इसको फॉलो करना शुरू कर दो अभी से। शूट विजर्ड हिट मॉमी और रैटर अप तो आज ही हो जाना चाहिए, मैं रात को लाइव आके ना क्वेश्चन आंसर का टेस्ट ले लूंगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुन लो, इसको फॉलो करना अभी से शुरू कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, उनको जाके एक बार सुन लो, यहां आपके दिमाग में चैप्टर ना पूरा आ जाएगा। वो जो फेवरेट मूवी की स्टोरी होती है ना आपकी, कौन सी है तुम्हारी फेवरेट मूवी, ये बनेंगी अब तुम्हारी फेवरेट मूवी, इवांस तो है ही सब बच्चों का फेवरेट चैप्टर, अब ये भी और बन जाएंगे, डन। इवांस की बात करेंगे, ये सारी पोम्स, ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑन जेनिफर टाइगर, दो ही तो है, दोनों मैंने पढ़ा रखी और ये मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगी तुम्हारे को, ठीक है। इसकी सिमिली हो गई, इसके सॉरी वो जो होती है पोएटिक डिवाइसेस हो गए, इसके वर्ड मीनिंग्स हो गए, एंड इनमें से आपके जो हाँ जेनिफर टाइगर की थीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो का मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, 2 महीने पहले मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑन कर दी थी, ठीक है, और हम रिवीजन भी कर लेंगे। नेक्स्ट आएगा ये रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग है, मैंने 2 एग्जाम्पल कराए हैं, दोनों एग्जाम्पल का फॉर्मेट लर्न कर लेना, एग्जाम में जो आएगा उस फॉर्मेट को हिसाब से आप रिपोर्ट राइटिंग कर लेना, कुछ डाउट्स आएंगे लाइव सेशन में क्लियर कर लेंगे। भैया कितने दिन है ये, 3 दिन में, 4 दिन तो मैंने लिखा है, 3 दिन में तो तुम्हारी पूरी कंप्लीट हो रही है, सब कुछ कंप्लीट, सारा कंप्लीट। क्या हो गया दीदी, अभी अनसीन पैसेज बचा है, तो अनसीन पैसेज की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड, गाइस मैंने पहले ही आपके लिए सारा काम मेंटेन कर दिया है, ठीक है। तो अनसीन पैसेज की 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, उसमें तुम्हें अगर पता है कि आपकी बार ऊपर से कॉपी करके नहीं लिख सकते अनसीन पैसेज में, तो कुछ बच्चों ने वो देखे भी है, मैंने पूरा फॉर्मेट बता दिया है, ऊपर से कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाएंगे हम, बन जाएंगे चलाक, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, और बहुत सिंपल सरल तरीके से बता दिया है कि अपनी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो बात तुमने ऊपर पढ़ी तुम्हें अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है, जो 2 एग्जांपल कराए उसमें से देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। दोनों वीडियो अनसीन पैसेज की भी डाल दी है, अगर तुमने थोड़ा सा टाइम निकाला ना और इस 3रे दिन पे अनसीन पैसेज भी कर लिया, कॉन्फिडेंस देखना तुम्हारा, अरे 3 दिन में पूरी इंग्लिश कंप्लीट कर दी, फिर क्या बचा, अभी तो देखो 11 है, उसके बाद 12 भी बची होगी आपके पास, फिर करेंगे सैंपल पेपर, सैंपल पेपर बाद में करते हैं जब ऐसे कॉन्फिडेंस है, अरे भैया सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे को, अभी पहले आपने सारे चैप्टर पढ़े नहीं है, पहले आप सैंपल पेपर करने बैठोगे तो आपको डर लग सकता है, अरे मुझे आता नहीं है, और अगर पहले से आते हैं सारे चैप्टर पहले ही पढ़ रखे तो कर भी लेना, नो प्रॉब्लम, बट अगर आपको नहीं आते हैं अच्छे से चैप्टर, गाइस सैंपल पेपर आखिरी दिन पे ये करेंगे, अब मैं आऊंगी लाइव, हम सैंपल पेपर करेंगे, फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एंड अनसीन पैसेजेस, ठीक है, डन। उसके बाद भी हमारे पे 1 दिन बचेगा, और जब से भी आप तैयारी कर रहे हो ये 3 दिन अपने दिमाग में बिठा लो, और ये आपका फॉलो हो जाना चाहिए प्लान, डन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों प्लेलिस्ट डाल दी है, कोई डाउट्स आपको होने ही नहीं चाहिए, बस पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। कोई डाउट्स आते रहते हैं लिख के रख लो, मैं लाइव आके जब बैठी होंगी तो आप सारे के सारे लाइव डाउट सेशन में मुझसे डाउट्स पूछते रहना, वैसे अगर वीडियो से चैप्टर पढ़ोगे तो कोई डाउट आपको आने नहीं वाला है, बस वो इन्विटेशन के बॉक्स का वगैरह का और वो फॉर्मेट का जो आपके डाउट्स होंगे वो सब मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अगर बात होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो फिर से कह रही हूँ, मैं आपको बता दूंगी कैसे आपको खुद से आंसर फॉर्म करके लिखना
लिखने हैं, क्लास 10 स्टूडेंट्स को भी मैंने बताया था, उनके इंग्लिश एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उन्हें बहुत हेल्प मिली। आई प्रे टू गॉड कि आपको भी बहुत हेल्प मिले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे उनसे, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइनों के रट्टे मत मारना क्योंकि वो आप एग्जाम तक भूल सकते हैं। इतने कॉन्फिडेंस से चैप्टर्स को समझ लेंगे कि खुद से आंसर बना के लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे। डन, तो रेडी हो जाए सारे मेरे भाई बहन, आर यू रेडी टू फॉलो दिस 4 डे स्ट्रेटेजी? 4 क्या, 3 ही है ये गाइज, चौथा दिन तो हमारा पूरा का पूरा रिविजन है, ऑल दैट, ठीक है। तो ये 3 दिन में पूरे इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं जाती हूँ, बाय-बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। एंड ये पूरे दिन, जितने दिन आपका इंग्लिश का एग्जाम आने वाला है, ये सारा मटेरियल तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है मेरे चैनल पे, आप जाके देखते रहोगे। प्लस मैं रोज जो है आई बी अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस, आई विल कम लाइव फॉर यू गाइस। एंड जितने चैप्टर का रिवीजन भी होगा, समरी भी होगा, मैं तो पहले ही पढ़ा रखे, दोबारा भी आगे पढ़ा दूंगी, सो दैट आप जो है कोई डाउट्स होंगे तो सेकंड में भी क्लियर हो जाएंगे एंड आप जो है अच्छे से पढ़ते रहोगे। डन, तो मैं जा रही हूँ, बाय-बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश एग्जाम, 40 on 40 पक्के हैं आपकी बारी।